गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 अपना है वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स कंटिन्यू कर रहे हैं आज। देखिए स्टूडेंट्स, अपने इससे पहले क्लास में वेदर का डेफिनेशंस वगैरह समझा था, वेदर क्या होता है, वेदर रिपोर्ट्स के बारे में अपने समझा था। अब देखिए यह है, इसके अंदर जो वेदर के अंदर जो मेन चेंज होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सन। तो द सन कोजेज चेंजेस इन वेदर, यानी सन ही जो है वो वेदर के अंदर चेंज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ऑल चेंजेस इन वेदर आर मेनली कोज ड्यू टू द सन, यानी जितने भी चेंजेस होते हैं वो सन की वजह से होते हैं। तो सन जो है इज द स्फीयर ऑफ लॉट ऑफ गैसेस एट द हाई टेम्परेचर। तो सन क्या है, गोला है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जो लाइट का मेन सोर्स है वो सन है। द हीट ऑफ सन इज़ एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ सर्फेस। तो ये जो हीट जो प्रोड्यूस होती है सनलाइट से वो अर्थ तक पहुंचती है और ये एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट होती है बाई द सर्फेस ऑफ अर्थ या फिर ओशियन एंड एटमोसफियर के द्वारा। ठीक है, या कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अर्थ सर्फेस एब्जॉर्ब करती है, कुछ ओशियंस या एटमोसफियर इसको एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से जो वेदर के अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट एनी प्लेस। तो ये जो सन ही है, इससे जो हीट आ रही है वही किसी प्लेस का जो है वो टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड अस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज हाई, सपोज करिएगा कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस का जो है टेम्परेचर है वो हाई है, तो वी कैन से दैट द वेदर इज हॉट। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, वेदर वहाँ का हॉट है। और इफ़ द टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे इज लो, अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम है तो अपन क्या बोलेंगे, वेदर कोल्ड है। तो टेम्परेचर के हिसाब से अपने बताया कि हॉट वेदर है या कोल्ड वेदर है। ऐसे देखिए इसके अंदर हीट ऑफ सन कोजेज द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियन एंड लैंड टू इवेपरेट टू फॉर्म द वाटर। जैसे सन से जो हीट आती है उस हीट की वजह से जो है वो ओशियन का वाटर जो है या लैंड पे जो वाटर है वो क्या होता है, इवेपरेट होता है, और इससे जो वेपर राइज अप होती है इन एटमोसफियर के अंदर और ये कूल डाउन होकर कंडेंसेशन होने से इसे क्लाउड बनते हैं। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ, देखिए तो ह्यूमिडिटी क्या होती है इसके अंदर बताया कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो इज इन हाई इन द एयर वी से दैट द वेदर इज ह्यूमिड। तो हुआ क्या, जैसे अपन बोलते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर के अंदर ज़्यादा वाटर वेपर है। ये सम न्यूज़पेपर कैरीज द वेदर डाटा फॉर सम ऑफ द मेजर सिटीज टेलीविजन एंड रेडियो न्यूज़ बुलेटिन ऑल्सो इंक्लूड द वेदर रिपोर्ट। देखिए कुछ न्यूज़पेपर टेलीविजन न्यूज रेडियो इन पे भी वेदर रिपोर्ट होती हैं। दिस हेल्प अस टू द प्लान आवर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू वेदर एंड अलाउ द पीपल टू प्रिपेयर फॉर देयर बैड वेदर। तो या फिर लोगों को जो है तैयार रखने के लिए इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब देखिए अपन बात वही सन के बारे में बात करें। नेक्स्ट, वी नो दैट द सन हीट अप द अर्थ, यानी अर्थ सरफेस को हीट करता है सन। ठीक है, तो लॉट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स द एयर नियर इट। तो ये क्या कर रहा है इसके अंदर कि सन की जो हीट है वो अर्थ के ऊपर जो एयर है उसको हीट करता, और ये जो हॉट एयर है, ठीक है, ये राइज लाइट हो जाती है और इसकी वजह से ये राइज अप होती है एंड क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, और वो क्या करेगी, एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट कर देगी। एयर जो है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया मूव्स टूवर्ड्स द लो प्रेशर, और एयर जो हमेशा होती है इधर हाई प्रेशर होता है उधर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। दिस मूविंग एयर, इसी को अपन बोलते हैं विंड। तो विंड जनरेशन का कारण भी जो है वो सन है या हीट की वजह से होता है। ठीक है, सो इफ द हीट ऑफ सन दैट कोजेज द विंड टू ब्लो व्हेन अ लॉट ऑफ एयर ब्लोज वी से दैट द वेदर इज विंडी। जैसे अब बहुत तेजी से हवा चलती है अपन क्या बोलते हैं, वेदर कैसा है, विंडी। ठीक है, तो इसका रीज़न भी क्या है, सनलाइट की वजह से जो है एयर का हीट होना, तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा तो ये विंड फ्लो होती है। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ वेदर, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर इंक्लूड, देखिएगा इसके अंदर एलिमेंट ऑफ वेदर के अंदर अपन एक तो बात करेंगे इसके अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। दूसरा है इसके अंदर ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो एंड विंड, ये सब एलिमेंट्स ऑफ वेदर है। तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। एक दिन का सबसे ज़्यादा कितना टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, और लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं मिनिमम मैक्सिमम, एक थर्मोमीटर होता है स्टूडेंट, इसकी हेल्प से अपन यूज़ इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक थर्मोमीटर है आपके पास, तो इसमें एक मैक्सिमम
और मिनिमम को मेजर करने के लिए आपके अंदर दो थर्मोमीटर लगे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको टेम्परेचर दिखाते हैं इसके अंदर, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट के अंदर अपन मेजर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज रिकॉर्डेड इन अर्ली। देखिए मिनिमम टेम्परेचर आपको कब मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग के अंदर मिलेगा, है ना। तो पूरा सराउंडिंग जो है कूल रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, एज अ डे एडवांसेस इट बिकम्स द वार्म अप, द डायरेक्ट सन रेज हीट अप द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू वेरी लार्ज एक्सटेंट। द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे कब आपको मिलेगा, तो आफ्टरनून के टाइम में जो है मैक्सिमम। तो मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आफ्टरनून के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम जो है सनलाइट की जो हीट है उसकी वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा एलिमेंट है वेदर का, वो है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर या कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इन एयर जो होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसके अंदर। तो वाटर वेपर ज़्यादा होगा एयर के अंदर तो अपन बोलते हैं ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो परसेंटेज में मेजर करते हैं एक्चुअली, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपन मेजर करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि अपन रिलेट करते हैं इसका, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इट इज़ एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड दैट टेम्परेचर। यानी ये क्या है एक्चुअली, यानी एयर के अंदर मैक्सिमम कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को अपन बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी के कंपेयर में कितना परसेंट जो है वो यहाँ पे ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर, तो इसकी मदद से अपन ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तीसरा है इसके अंदर एलिमेंट ऑफ वेदर जो है वो है इसके अंदर रेन एंड स्नो। रेन और स्नो भी जो है वो वेदर का एक कंपोनेंट है इसके अंदर। तो जो क्लाउड्स होते हैं वाटर का जो कंडेंसेशन होता है तो क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स से जो ड्रॉप स्लेट्स जो फॉल डाउन होती हैवी होने के बाद में, तो उसको अपन रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो लो हो जाता है इसके अंदर, तो ये ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या होने लग जाती है, फ्रीज होकर जो है, अगर ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है तो ये ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती है और क्रिस्टल या आइस की फॉर्म में फॉल डाउन होती है, तो इसको स्नो बोल देते हैं। तो रेनफॉल जनरली क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, और स्नो क्या होती है, उसके अंदर आइस का फॉल डाउन होता है। तो रेनफॉल जनरली जो है मेजर्ड इन मिलीमीटर के अंदर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। तो ये रेन गेज होता है, तो इसकी हेल्प से जो है अपन वाटर को सॉरी रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर देर का आपको ये एक वाटर गेज सिंपल सा एक बीकर होता है, उसमें फनल लगा रखिए, तो ओपन में रख देते हैं, इस पर स्केल लगा रखिए, तो उसको मेजर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला जो इसके अंदर है इसके अंदर स्टूडेंट्स आपका कंपोनेंट ऑफ वेदर वो है विंड। तो विंड क्या होता है, एयर का जो मूविंग एयर होती है उसी को अपन बोलते हैं विंड। तो विंटर के अंदर क्या होता है, एयर का प्रेशर कम होता है, तो माउंटेन से एयर जो है वो तेज़ी से फ्लो होती है लो प्रेशर की, ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया टूवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, द प्लेन्स बिकम द वेरी कोल्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द समर द विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया टू टूवर्ड्स द सेंट्रल इंडिया। तो समर के अंदर क्या होता है, गर्म हो जाता है जो लैंड वाला एरिया होता है, तो उससे जो है नॉर्थ साइड से जो है एयर का ब्लो होना शुरू हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और हमेशा एयर का ब्लो होता है, तो ब्लोइंग एयर जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये तो हो गया इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ वेदर, ठीक है। तो वेदर अपना जो है वो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपको ये MCQs करने हैं इसके अंदर, टिक द करेक्ट आंसर के अंदर, ये मैं आपको भेज दूंगा होमवर्क में, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लाइमेट है, उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।